O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Fica um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरी एक और फ्रेश वीडियो में। आप लोग देख रहे हो SS गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो फाइनली न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हम लोग जो सुदीप सरकार है उनकी तरह इंट्रो कैसे बना सकते हैं। ये सवाल मेरे को दो लोग ने पूछा है, तो दोनों का नाम आप लोग को स्क्रीन पर जैसे कि दिख रहा है। तो मैं वीडियो को बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को अपना पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है, और जो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाके ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है, और जो न्यू टेक्स्ट है उसको डिलीट कर देना है, और उसके बाद जो ट्रांसपेरेंट था उसको ऐसे ही रहने देना है, और जो बीच वाला आइकन उस पर आना है, और जो शेप्स है उस पर आने के बाद आप लोग को जो वाइट कलर ले लेना है, वाइट कलर नहीं इसको कर लेना है ब्लैक कलर, इसको आप लोग को कर लेना है ब्लैक कलर। उसके बाद इसको खींच के बड़ा कर देना है, और यहाँ पर एडजस्ट करके राइट पर क्लिक कर देना है, फिर इसको लॉक कर देना है ताकि अब ये हिले ना वहाँ से। फिर उसके बाद इसको एक और बार टच करना है, फिर वापस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाके आपके चैनल का लोगो यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल का लोगो ला लिया, लेकिन ध्यान रखना कि आपके चैनल का लोगो का PNG होना चाहिए। तो इसको अपने हिसाब से बड़ा कर लेना है, और फिर बाद में इधर रिलेटिव पोजिशन पर जाके बीच वाले दोनों ऑप्शन को टिक कर देना है, और उसके बाद आपका फ़ोटो एकदम सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप लोग को जो कलर है फ़ोटो का उसको आपके जो लोगो का कलर है उसको एनेबल करके वाइट कर देना है। यहाँ पे मैंने वाइट कर दिया। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद वापस ये जो उस ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, और जो नीचे जो राइट और रॉन्ग ऑप्शन है उसको क्लिक करके दोनों फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, और जो थर्ड वाला ऑप्शन है मर्ज का है तो उसको दबा के ओके कर देना है। तो यहाँ पर मर्ज डाउन हो गया हमारा इमेज। उसके बाद यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है, और वापस इस इमेज को लॉक कर देना है, और इसके बाद इस इमेज पे वापस क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ पे जो साइड में जो इरेज कलर का ऑप्शन है उस पर एनेबल कर देना है, तो आपका वाइट कलर इरेज हो गया। उसके बाद आप लोग को इसको राइट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो इसका कलर है कलर एनेबल करना है, और जो ग्रीन कलर कर लेना है, और ग्रीन कलर को सबको इधर रखना है एकदम, और ग्रीन कलर कर लेने के बाद इस इमेज को सेव कर लेना है। तो मेरे पास ये है तो मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग को अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। सो गाइस, काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोग को प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और जो 1:1 है उस पर क्लिक करके आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो उसके बाद आप लोग को सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है, और एडिटिंग पर जाके यहाँ पर 10.0 सिलेक्ट कर लेना है, नीचे वाले को भी 10.0 सिलेक्ट कर लेना है, और राइट पे क्लिक कर देना, और मीडिया पे जाना है, फिर बैकग्राउंड में जाके आप लोग को ले लेना है ब्लैक कलर। तो 10.0 यहाँ पे आ गया हमारा। फिर जो फ़ोटो हम लोग ने अभी बनाया उसको लेयर में जाके मीडिया वाले ऑप्शन पे जाके ला लेना है। तो यहाँ पे मैं ला लेता हूँ उसको भी। तो मैंने उस इमेज को ला लिया, और उसको ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, पहले ये इमेज को नहीं लाना है, सॉरी गाइस, पहले इमेज को नहीं लाना है, पहले आपके चैनल के लोगों को लेके आना है, आपके चैनल का लोगो लेके आना है यहाँ पे। तो कहाँ गया मेरा लोगो यार, मिल नहीं रहा। ये रहा, इरेजर वाले ऑप्शन में है मेरा लोगो, तो ये रहा मेरे को मिल गया मेरा लोगो। इसको थोड़ा बड़ा कर देना है, और उसके बाद जो इसका एनिमेशन है उस पर जाना है, लेकिन पहले यहाँ पे 1.0 पे जाना है आप लोग को। सो गाइस, यहाँ पे 1.0 पे सिलेक्ट करने के लिए आप लोग को पहले ये जो इसको है दो उंगली से ऐसे जूम कर लेना है, जो नीचे वाले जो फ़ोटोज़ हैं लेयर से उसको ऐसे जूम कर लेना है। फिर जो 1.0 पे जाना है, मैं जाता हूँ 1.0 पे, और ये 1.0 आ गया, पे आ ही नहीं रहा 1.0। तो आ गया 1.0। उसके बाद जो आपके लोगो है उस पर क्लिक करके एनिमेशन पे क्लिक करके यहाँ पे प्लस दबा देना है ऐसे। फिर आप लोग को एकदम स्टार्टिंग में जाना है, और स्टार्टिंग को एकदम छोटा कर देना है। फिर आप लोग को इधर आना है बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देना है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देना है। फिर उसके बाद इसको राइट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आप लोगों को जैसा दिखेगा तो यहाँ पे इतना हो गया। और उसके बाद जहाँ पे 1.0 पे अपने एनिमेशन दिए थे
और उसके बाद आप लोग को नीचे लेयर में जाके जो अभी आप लोग ने पिक्सल लैब में फ़ोटो को एडिट किया था उसको यहाँ पे ला लेना है। ये वाला फ़ोटो अभी बनाया था तो इसको यहाँ पे ला लेना है। और उसके बाद इसको यहाँ पे अपने लोगों के हिसाब से पूरा सेट कर देना, लोगों के ऊपर ऐसे से लोगों के ऊपर ऐसे सेट कर देना है। और उसको बस इतना कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा, फिर जो आपका ऊपर वाला जो ब्लैक स्क्रीन था उसको कर लेना है ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन हो गया। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जस्ट मैंने आप लोग को डाउनलोड करने के लिए जितने भी यहाँ पे यूज़ करूँगा शाइनिंग PNG वो सब सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो गाइज आप लोग को लेयर वाले ऑप्शन से शाइनिंग PNG को यहाँ पे ला लेना है। हर बार की तरह सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। और यहाँ पे 4 सेकेंड पे आना है, 4.60 के आसपास आना है। और इसका जो राइट साइड है उसको पूरा कट कर देना है। और उसके बाद इसके एनिमेशन पे नहीं आना है, पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है और इसको ऐसे कर देना है। और उसके बाद इसका जो फर्स्ट एनिमेशन है उसको यहाँ पे ऐसे प्लस कर देना है। फिर उसके बाद इसको ऐसे लेके जाना है यहाँ तक, फिर उसको यहाँ तक लेके आना है। यहाँ तक लेके आने के बाद इसको यहाँ पे थोड़ा प्लस कर देना है। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे लाना है। अगर आप लोग को वीडियो जल्दी लग रहा है तो प्लीज़ स्लो करके देख लेना, क्योंकि अगर मैं स्लो में बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको यहाँ पे लाना है, फिर वापस प्लस पे क्लिक करना है, फिर इसको लास्ट में यहाँ पे लेके आना है। बस उसके बाद आपका वीडियो कुछ ऐसा दिखेगा। फिर यही लेयर को वापस एक बार लाना है शाइनिंग PNG को, तो उसको थोड़ा यहाँ पे लाना है, जो 6 सेकेंड पे आपको लाना है 6 पे, तो मैं 6 सेकेंड पे ला लेता हूँ शाइनिंग PNG को एक और बार। यहाँ पे मैंने शाइनिंग PNG को एक और बार ला लिया, इसको वापस बड़ा कर लेना है। फर्स्ट टाइम जो था सुदीप सरकार का वो 3 बार था और इस बार 4 बार है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लाना है। और पहले जो इसका जो ये साइड का जो बचता है इसको कट कर देना है, नहीं तो बाद में आप लोग कट करोगे तो बिगड़ जाएगा इसका एनिमेशन। इसको यहाँ पर लाना है, राइट पर क्लिक कर देता हूँ और एनिमेशन पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले इधर प्लस कर लेता हूँ, फिर इसको पहले यहीं पे प्लस करता हूँ, फिर इसको आगे बढ़ाना है, फिर इसको ऐसे प्लस करना है, फिर यहाँ पे प्लस करना है, फिर इसको यहाँ पे लेके आना है, नहीं सॉरी इसको यहीं पे रहने देना है, फिर इसको यहाँ पे लाना है, इसको यहाँ पे लाना है, फिर ऐसे इधर प्लस करना है। समझ नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन आप लोग फिर से देख लेना एक बार स्लो करके। इसके एनिमेशन पे मैं वापस आ गया, तो इसको इस बार यहाँ ले जाता हूँ। फिर थर्ड टाइम शायद कि हमारा थर्ड टाइम है, इसको यहाँ पे लाता हूँ, फिर यहाँ पे लाके प्लस, फिर इसको यहाँ पे लाके जो इसको यहाँ पे ला लिया, अभी देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5 बार हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप लोग 4 टाइम ही करना। तो इतना कर लेने के बाद जो ये है जो हम लोग ने पिक्सल लैब में जो बनाया था फ़ोटो उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आप लोग देख लो एकदम मस्त लग रहा है, सुदीप सरकार जैसा, एक बिल्कुल सुदीप सरकार जैसा हम लोग को दिख रहा है। तो उसके बाद जो इसकी ऑपेसिटी उसको थोड़ा कम कर लेना है, यहाँ पे ऑपेसिटी कम कर लिया, ये जो फर्स्ट वाला था उसकी भी ऑपेसिटी कम कर लेनी है आप लोग को। फिर इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है, यहाँ पे एक बार एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोग को वापस बैक जाना है और जो ये लिया था उसको एक बार ब्लैक कर लेना है, ग्रीन को सारा हटा के ब्लैक कर लेना है। और ये जो ग्रीन स्क्रीन था इसको भी इसके कलर एडजस्टमेंट में जाके जो फर्स्ट ब्राइटनेस उसको लो कर देना है। तो उसके बाद आप लोग को ऐसे भी एक बार एक्सपोर्ट कर लेना है, वो क्यों करना है मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ। ऐसे भी एक्सपोर्ट कर लेना है एक बार, फिर आप लोग को बैक कर देना है और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 16:9 पे क्लिक करना है। और उसके बाद जो ब्लैक वाला आप लोग ने एक्सपोर्ट किया उसको लेके आना है,
फिर ब्लैक वाला जो मैंने एक्सपोर्ट किया उसको ले लिया और इसको यहाँ तक आगे का ऐसे कर देना है, पहले वो क्यों करना है फिर मैं आप लोग को बताता हूँ बाद में। तो इसको ऐसे ज़ूम कर देना है इतना, फिर उसके बाद दोनों को बराबर ट्रिक कर देना है, फिर ऐसे इस पर ऐसे क्लिक कर देना है तो ये ऐसा दिखेगा। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे जाके बैकग्राउंड पे से जाके कोई भी कलर ले सकते हो जो आपको, जो आपके लोगों को सूट करे। मेरे लोगों को जो है रेड कलर सूट करता है तो मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ। और जो स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन है उसमें जाके इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और इसको पूरा लास्ट तक ले लेना है। फिर इसको जो है स्क्रीन कर लेना है, ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना है और इसको ओपेसिटी को कम कर देना है। तो आप लोग बोलोगे कि भाई हमारा तो काइन मास्टर में नहीं चलता है, तो मैंने लिंक देके रखे है काइन मास्टर की, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप लोग काइन मास्टर। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना है एक विग्नेट की पीएनजी, मैंने आप लोग को देके रखी है तो वो भी आप लोग यहाँ पे लाके उसको भी कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही। यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पे करके फुल स्क्रीन पे कर लेना है और इसकी जो ओपेसिटी है उसको भी कम कर देना है, इतना कर देना है। फिर उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाके मैंने आप लोग को एक वीडियो भी दे के रखा है, तो ये वाला वीडियो है वो, तो इसको भी यहाँ से ला लेना है और इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है और इसको कर देना है आप लोग को स्क्रीन, तो कुछ ऐसा दिखेगा आप लोग को। तो ये जो ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन था इसको स्क्रीन नहीं करना है, सॉरी गाइस, इसको स्क्रीन नहीं करना है, इसको नॉर्मल रहने देना है। और जो इसका ग्रीन क्रोमा की है, क्रोमा की पे जाके इसको एनेबल कर देना है और इसको ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है। इसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा आप लोग को। तो यहाँ पे जो है इसका थोड़ा सा ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, ओपेसिटी थोड़ी कम कर देनी है। उसके बाद एक और वीडियो का लिंक मैंने देके रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से उसको भी डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे मैं ला लेता हूँ उसको, यहाँ पे इसको शुरुआत से सिलेक्ट कर लेना है और इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। ये जो पार्टिकल था उसको फुल स्क्रीन कर देना है और पार्टिकल को स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाके ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाके स्क्रीन कर देना है और ओपेसिटी को कम कर देना है। और उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन में जाके एफेक्ट्स पे जाना है और जो बेसिक इफेक्ट है उसमें जो पहला वाला ब्लर इफेक्ट आता है उस पे जाना है और इसको ऐसे कर लेना है। और सेटिंग में जाके इसको कर देना है 5 और इसके बाद इसको ऐसे बड़ा कर लेना है पूरे स्क्रीन पे, फिर आपको कुछ ऐसा दिखेगा इफेक्ट। फिर उसके बाद आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप लोग को कर लेना है बैक, वापस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 16:9 पे जाना है और इस बार जो एक्सपोर्ट किया उस फाइल को लाना है। इस बार लास्ट टाइम ही आप लोग को करना है। आप लोग को बहुत लग रहा होगा कि मैं पका रहा हूँ, लेकिन आप लोग को पूरा सिखा रहा हूँ, अच्छे से पूरे डिटेल में बता रहा हूँ। और उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन में जाके जो फर्स्ट टाइम आप लोग ने एक्सपोर्ट किया था ग्रीन स्क्रीन में उसको यहाँ पे ला लेना है और जो क्रोमा की था उसको एनेबल कर देना है और की कलर पे जाना है और जो इसको 255 है उस पर सेट रहने देना है और इसको ऐसे कर देना है। फिर कुछ ऐसा दिखेगा आप लोग को, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन आ रहा है, यहाँ पे मैं ग्रीन स्क्रीन को सेट कर लिया एकदम मस्त। उसके बाद आप लोग को सॉन्ग डाल देना है, मैंने लिंक में देके रखा है सॉन्ग। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सॉन्ग को जो इंपोर्ट कर दिया है और उसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा इंट्रो। सो गाइस, यहाँ पे सुदीप सरकार जैसा पूरा का पूरा इंट्रो बन चुका है। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।